बिलासपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी। हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। सर्व यादव समाज के विष्णु यादव ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह यादव समाज भव्य शोभा यात्रा निकालेगा। स्वर्गीय B.R. यादव की प्रतिमा से शोभा यात्रा का शुरू होगी, जो मुख्य मार्गों से होती हुई लाल बहादुर शास्त्री प्रांगण पहुंची। समाज का परंपरागत राउत नाचा, भगवान श्री कृष्ण के जन्म की आकर्षक जीवंत झांकियां और गाजे बाजे के साथ रथ में सवार भगवान आकर्षण का केंद्र रहेंगे। शोभा यात्रा को लेकर हमारी तैयारी यह है, 7 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति सर्व यादव समाज जिला बिलासपुर द्वारा शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। यह 16वां वर्ष है और हम लोग स्वर्गीय B.R. यादव जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करके बृहस्पति बाजार होते हुए, नेहरू चौक होते हुए, देवी नंदन चौक और सदर बाजार होते हुए, गोल बाजार होते हुए लाल बहादुर में जाकर के हमारी सभा समाप्त शोभा यात्रा समाप्त होती है और वहाँ एक सभा के रूप में पंडित होता है। और इस बार अब जो बदलाव है, बदलाव यह है कि पहले हम लोग जो है भोजन की व्यवस्था नहीं करते थे, इस बार 10,000 लोगों के लिए जो खाने पीने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है और जो लोग उपवास रहेंगे उनके लिए फलाहार के जो फल की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और इस बार जो है महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएँ आने के लिए इसमें जो है उत्सुक हैं और महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आने की हम लोग अपील भी कर रहे हैं और लगातार इसके लिए हमारे जो समिति के जो सदस्य हैं सारे जो बैठे हुए सब लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। शोभा यात्रा को लेकर हमारी तैयारी यह है, 7 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति सर्व यादव समाज जिला बिलासपुर द्वारा शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। यह 16वां वर्ष है और हम लोग स्वर्गीय B.R. यादव